फ्रेंड्स, मैं हूँ मास्टर एनएलपी कोच रुबीना और आज हम बात करेंगे रैपो के बारे में। दोस्तों, रैपो एनएलपी का एक बहुत पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से हम किसी का भी बहुत कम समय में विश्वास जीत सकते हैं। रैपो का मतलब है तालमेल, यानी हम किसी भी पर्सन के साथ कितना पावरफुली कम्युनिकेट कर पाते हैं। रैपो के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन का तरीका। अगर सामने वाले पर्सन के साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो वो हमारी बात को नहीं समझ पाता और हम पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो फ्रेंड्स, रैपो किसी भी रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाता है, चाहे वो रिलेशनशिप भाई का भाई से हो, बहन का बहन से हो, भाई बहन का हो, माता पिता का बच्चों के साथ हो, स्टूडेंट का टीचर्स के साथ हो या एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ हो। जरा सोचिए, अगर किसी भाई का भाई के विचारों के साथ मैचिंग ना हो तो क्या उनके रिलेशंस स्ट्रांग होंगे? तो दोस्तों, किसी भी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ रैपो पर ही निर्भर करती है। अगर किसी का रैपो किसी के ऊपर अच्छा बना हुआ है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, बट अगर उसका नेगेटिव रैपो बना हुआ है तो उसके रिजल्ट कुछ अलग ही आते हैं। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए एक टीचर को क्लास में डिमॉन्स्ट्रेशन देना है। टीचर आया और अपने टफ और टेक्निकल वर्ड्स के साथ लेक्चर खत्म करके डिमॉन्स्ट्रेशन देकर चला गया। वही दूसरा टीचर आया और बच्चों के अवेयरनेस लेवल को चेक किया और उसने चेक किया कि बच्चे किस तरह से सीखना पसंद करते हैं। फिर टीचर ने बच्चों के आईक्यू लेवल पर आकर डेमोंस्ट्रेशन दिया। तो आप ही बताइए, कौन से टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चों को ज्यादा समझ में आया होगा? दूसरे वाले टीचर का, डेफिनेटली दूसरे वाले टीचर का। क्यों? क्योंकि टीचर ने पहले रैपो एस्टेब्लिश किया। इस तरह अलग अलग रिलेशनशिप में रैपो एस्टेब्लिश करने के तरीके भी अलग अलग हैं। जैसा कि आपने टीचर वाले एग्जाम्पल में देखा, सबसे पहले टीचर ने खुद को बच्चों के जैसा बनाया, मतलब टीचर ने अपने आप को बच्चों के साथ मैच किया। इसका मतलब टीचर ने अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज किया, मतलब उसने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज किया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते ही यहाँ रैपो बनना स्टार्ट हो गया। फिर टीचर ने स्टूडेंट से रिलेटेड टॉपिक पर क्वेश्चन पूछकर उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया। अब स्टूडेंट क्या चाहेंगे? सीखना। और टीचर क्या चाहता है? सिखाना। दोनों का पर्पस सेम है। टीचर ने यहाँ मिररिंग कर दी। मैचिंग और मिररिंग के बाद टीचर के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन देना और इजी हो गया और बच्चों के लिए वो डिमॉन्स्ट्रेशन समझना और इजी हो गया। मैचिंग और मिररिंग होने के बाद स्टूडेंट्स उस टीचर को और अच्छे से सुनते हैं और उसके दिए हुए डिमॉन्स्ट्रेशन को और अच्छे से समझते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर उनके लेवल पे आकर उनको समझाता है। इस एग्जांपल का कंक्लूजन ये आता है कि हमें किसी भी रिलेशनशिप में रैपो एस्टेब्लिश करने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट इज मैचिंग, सेकेंड मिररिंग एंड थर्ड वन इज पेसिंग। तीनों स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी रिलेशनशिप में रैपो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट आपने ध्यान दिया है कि इस एग्जांपल में मैचिंग और मिररिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? वो था कम्युनिकेशन का तरीका। कौन सा कम्युनिकेशन? वो था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में रैपो एस्टेब्लिश करने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही रिस्पॉन्सिबल ज्यादा होता है और उसके बाद रेस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंक्लूजन ये है कि रैपो एस्टेब्लिश करने में आपका बॉडी लैंग्वेज 55% रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बाद 38% रोल आपकी वॉइस, साउंड और टोनैलिटी का होता है और 7% रोल आपके कंटेंट या आपके शब्दों का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि रैपो एस्टेब्लिश करने में आपके शब्दों या आपके कंटेंट से ज्यादा रोल
आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आपके बात करने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका साउंड, आपकी टोनैलिटी। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही बात को कई तरीके से कहने पर सामने वाले पर उस बात का प्रभाव बदल जाता है। ये सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से होता है। तो आइए अब हम जानते हैं रेपो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका आपके क्लाइंट्स के साथ रेपो एस्टेब्लिश हो गया तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। अगर आप एक टीचर हैं और आपका स्टूडेंट्स के साथ रेपो एस्टेब्लिश हो गया तो स्टूडेंट्स को आपका पढ़ाया हुआ अच्छा समझ में आएगा और आप एक इफेक्टिव टीचिंग कर पाएंगे। यही वजह है कि एक ही क्लास किसी टीचर की फेवरेट क्लास होती है, क्लास किसी टीचर के लिए सबसे खराब क्लास होती है। तो ये टीचिंग डिसेबिलिटी है, ना कि लर्निंग डिसेबिलिटी। इसलिए टीचर्स को रैपो एस्टेब्लिश करने के तरीके एनएलपी की हेल्प से जरूर सीख लेना चाहिए। इसी तरह अगर डॉक्टर का उसके पेशेंट के साथ रैपो एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। इसी तरह अगर एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयर के साथ रैपो एस्टेब्लिश हो जाता है तो मालिक और एम्प्लॉयज का अच्छा संबंध बन जाता है और एम्प्लॉयज मालिक की ज्यादा सुनते हैं। एक लीडर अगर अपने लोगों में अपना रैपो बना लेता है तो उसके लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। पति पत्नी के बीच रैपो एस्टेब्लिश हो जाने से विवाहित जीवन अच्छा हो जाता है। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के साथ अच्छा रैपो बना पाते हैं तो उनकी पेरेंटिंग अच्छी हो जाती है और उनके बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे बन जाते हैं। इसी तरह दोस्तों में भी, भाई बहनों में और बाकी रिश्तों में भी रैपो ही काम करता है। तो दोस्तों रैपो एस्टेब्लिश कीजिए, और अगर रैपो एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो एस्टेब्लिश करने के तरीके सीख लीजिए। इतना याद रखिए, अगर आपने रैपो एस्टेब्लिश करने के तरीके सीख लिए तो आप दुनिया जीत सकते हैं और आप दुनिया के सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अगर आप अपने लाइफ के किसी भी क्षेत्र, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ या रिलेशनशिप कहीं भी सफर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको चेंज की जरूरत है और आपको रैपो एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि मेरा भी मेरे व्यूअर्स के साथ एक अच्छा रैपो बन गया होगा और मेरे व्यूअर्स मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। थैंक यू।